ड्रोन ड्रोन कॉलेज में एक अनोखी क्लास हो रही है। सारे स्टूडेंट्स लड़के हैं, पर आज उनकी जिंदगियां बदलने वाली है। मिस्टर टॉड अटेंडेंस ले रहे हैं, टोनी यहाँ है, जोई भी यहाँ है और रूडी भी। पर आज एक नया स्टूडेंट भी है, एलेक्स। अभी तक इन्होंने नए लड़के को नहीं देखा या नई लड़की को। हेलो कहो लड़को, हमारी क्लास में आज एक नई लड़की आई है। देखो उसे देखकर ये सब कितने खुश हैं। टोनी को एलेक्स झट पसंद आ गई। उसने ये तय कर लिया कि वो उससे सबसे पहले बात करेगा, इसलिए वो उसे नोट देता है। बाकी लड़के खुश नहीं है कि उसने सबसे पहले शुरुआत की। टोनी कभी भी नहीं चूकता, उसने तारीफ करने से शुरुआत की। बाकी स्टूडेंट्स भी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। रूडी कोशिश करने वाला दूसरा लड़का बनना चाहता है, जो एलेक्स को एक नोट देता है। एक और तारीफ। रूडी की हरकत की वजह से नोट्स की लड़ाई शुरू होने वाली है। बेचारी एलेक्स, उस पर तो मानो कागज का तूफान आ पड़ा हो। लड़के हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। एलेक्स को थोड़ी स्पेस चाहिए, इतना सारा अटेंशन। ब्रेक के बाद एलेक्स को थोड़ा बेहतर लग रहा है, पर जिम और टोनी के सारे फ्रेंड्स अचानक गायब हो गए। जब तक कंपटीशन पर से ध्यान थोड़ा हटा हुआ है, रूडी इसका फायदा उठाता है। उसके पास एलेक्स के लिए कुछ खास है। अच्छा तो सारे फ्रेंड्स यहाँ चले गए थे। रूडी बहुत होशियार है, वो ये सब एलेक्स के फोन नंबर के लिए कर रहा है। वो उसे दे देती, पर उसके फ्रेंड्स भी गायब हो गए। ये बहुत रूड है। एलेक्स को जवाब लिखने के लिए बुलाया गया। रूडी अपनी गलती सुधारता है, इसलिए वो उसे अपना हाथ थमाता है। हाँ कितना अच्छा लड़का है, वो उसे बोर्ड तक लेकर गया। एलेक्स खुशी से चौंक गई, पर उसके पास इसके लिए समय नहीं है, उसे सवाल हल करना है। वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। ये सही है, तुम वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ सकती हो। टोनी भी मैदान में आ गया। एलेक्स ने पहले कभी सही जवाब देने पर इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। जोई भी इस मजे में शामिल होना चाहता है। उसने अपने आप तय कर लिया कि एलेक्स को उसकी जरूरत है, ना कि उल्टा। एलेक्स को बहुत भूख लगी है, पर मदद आ गई। जोई आ चुका है भूख को भगाने के लिए। उसे पता है रोमांटिक माहौल कैसे बनाया जाता है, और एक कभी ना भूल पाने वाला लंच। एक एक करके अपने आप, क्योंकि जोई पूरी तरह से खुद को प्यार करता है। एलेक्स इन सब लड़कों से तंग आ चुकी है। एग्जाम्स की हमेशा चिंता होती है, और एलेक्स को इस टेस्ट में बहुत परेशानी हो रही है। पर अच्छी बात है कि वो टोनी के बगल में बैठी है, जो उसके लिए पागल है। वो एलेक्स को टेस्ट के सारे जवाब दे देता है। वो एहसान मंद है, पर पीछे बैठे लड़के कंफ्यूज है। उन्हें लगा कि ये फिर से प्यार वाला नोट है, और वो टोनी की नकल करना चाहते हैं। एलेक्स को लगा कि ये सब टेस्ट के जवाब है, पर बल्कि उसे ये तारीफें मिली जो उसे चाहिए भी नहीं थी। लड़कों ये बेकार कोशिश थी। लंच का समय हो गया। टोनी जैसे ही घंटी की आवाज सुनता है, वो कैफेटेरिया में चला जाता है। तो अब रूडी और एलेक्स अकेले हैं। रूडी तुम्हें नाइफ क्यों चाहिए? तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम एलेक्स को डरा रही हो, वो पुलिस को बुला रही है। पर रूडी का कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस इससे कुछ बनाना चाहता था। डेस्क पर प्यार का इजहार, वो सच बोल रहा है, पर ये सब अजीब है। रूडी से गलती हो गई, उसे इसके बजाय कानून से प्यार करना चाहिए। अब एलेक्स को अजीब महसूस हो रहा है।
एलेक्स अपने लॉकर के पास थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती। ये लड़के उससे बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। टोनी ने उसके लिए वैलेंटाइन बनाया है और रूडी ने भी, पर वो खुश नहीं है कि टोनी ने पहले किया। वो लड़कों आराम से कार्ड पर क्या लड़ाई करना। अब तो जोई भी शामिल हो गया। एलेक्स इस लड़ाई से खुश नहीं हुई और उसे जोई का घमंड अच्छा नहीं लगा। टोनी प्यार में पागल हो गया, कुछ भी उसका ध्यान नहीं भटका सकता सिवाय एक बाग के। एलेक्स अपना बाग भूल गई। वो उसके पीछे जाकर इस प्यारे काम से उसका दिल जीत सकता है, पर टोनी ने गड़बड़ कर दी। ये एलेक्स का बाग है ही नहीं, उसका बाग तो उसके लॉकर में है सही सलामत। पर जो बाग टोनी उठा कर लाया उसका मालिक शायद परेशान होगा। ये जोई का बाग है। वो इतना परेशान था कि उसने पुलिस को बुला लिया। वो चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अब टोनी मुसीबत में आ गया है। पुलिस वाले इसमें जुट गए। जोई ने जरूर अपने लापता बाग की कहानी को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया है। एलेक्स खाना खाने वाली है पर वो अपना लंच घर पर भूल गई। किस्मत से रूडी के पास एक और सेब है और उसको इसे बांटने में खुशी होगी। वो पुलिस उस पर नजर रख रही है। ओह, वो तो सिर्फ डोनट बांटना चाहते हैं। पर रूडी को गलत फहमी हो गई। डोनट एलेक्स के लिए नहीं है, वो तो पुलिस वालों के लिए है। उदास मत हो, रूडी के पास अब भी एक सेब है पर एलेक्स इसे बांटना नहीं चाहती। टोनी क्या कर रहे हो, तुम्हारा लॉकर नहीं खोल रहा। एलेक्स को अपना लॉकर खोलने दो। उफ, ये अटक गया। कोई बात नहीं, टोनी मदद कर देगा। उसके वार से उसका खुद का लॉकर खुल गया। हाँ टोनी, ये कितना प्यारा है। अपनी पसंद पर कभी शर्मिंदा मत हो। तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं। एलेक्स समझ सकती है। लिटरेचर क्लास, वो हीरोज के बारे में पढ़ रहे हैं और सच्चे प्यार के बारे में। पर क्लास बदल गई। कोच क्विंटन मैदान में आ चुके हैं पर वो शेक्सपियर नहीं पढ़ाना चाहते, उसे ताकतवर स्टूडेंट्स की जरूरत है। रूडी तो जरूर जाएगा। और जोई के बारे में क्या ख्याल है। हाँ, वो भी काफी ताकतवर है। और टोनी का क्या, वो क्लास में सबसे ताकतवर नहीं है। एलेक्स भी, शायद थोड़ी कसरत करनी चाहिए। नहीं, पेंसिल से नहीं। हिस्ट्री क्लास, अपनी प्रेजेंटेशन करो। टॉपिक है मशहूर अमेरिकन्स। एलेक्स प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। उसने प्रेजेंटेशन तैयार की ही नहीं। जोई ने तय किया कि वो उसे बचाएगा, इसलिए उसने अपना प्रोजेक्ट दे दिया। उसने क्या लिखा होगा, कितनी दिलचस्प प्रेजेंटेशन है। मिस्टर टॉड को समझ नहीं आया कि किसके बारे में है। खैर, जोई ने खुद के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है। जोई ने बस अभी तक मशहूर अमेरिकन का नाम हासिल नहीं किया। उसने असाइनमेंट नहीं किया इसलिए उसे F मिलता है। टोनी अपने सच्चे प्यार को फेल होने नहीं देख सकता। वो खुद आगे बढ़कर जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन दे देता है किसी असली हीरो की तरह। एलेक्स उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। न्याय की जीत होती है। आखिरकार एलेक्स अब खा सकती है। वो बस खाने ही वाली थी पर टोनी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। टोनी की माँ को लगता है कि जब सेहत के लिए बुरे होते हैं और टोनी एलेक्स को ऐसा खाना नहीं खाने देगा। अच्छा हुआ कि टोनी की माँ ने उसके लिए सलाद भेजा है। एलेक्स का पेट बच गया पर वो सच में खुश नहीं है। पर टोनी अभी भी मना कर रहा है। सोडा बहुत मीठा होता है। किस्मत से हमारे पास इसके बजाय कुछ और है। मिस्टर क्विंटन को ये बॉक्सेस उठाने के लिए मदद चाहिए। एलेक्स तुम यही इंतजार करो। लड़के सच में उसका दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए वो सारा काम करेंगे। कोई भी उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता और वो दुगनी रफ्तार से काम कर रही है। वो बढ़िया कर रही है। पर एलेक्स को भी इसमें श्रेय जाता है क्योंकि उसने उनको मेहनत करने का बढ़ावा दिया।
आखिरकार मिस्टर टॉड ने अपनी गलती सुधारी, जिसकी वजह से एलेक्स लड़कों की क्लास में आ गई थी। लड़कों, एलेक्स के बजाय जो नया स्टूडेंट है वो है कैस। अब सारे लड़के निराश हो गए। क्या आपको एलेक्स और सब लड़कों की कहानी पसंद आई? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, और इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।